ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਰਹੀ ਚਿਕ ਚਿਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਚੱਲੇ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਆਡਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕਮਾਲ ਸੁਣੀਏ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਕਾਟੂ ਕੈਸੇ ਰਾਤਾ ਹੋ ਸਵਰੇ ये गाना ऐसा ना जितने बार सुनना उतना अच्छा लगता है। मैं खुद सुनता हूँ मुझे लगता है और सुनूं और आगे करके सुनूं। हाय दिस स्टानिश बागची एंड यू आर वाचिंग मैशेबल 4/4। तो रात लंबे वाज एक्चुअली नॉट रात लंबे फर्स्ट इट वाज किथे चलिए एंड स्ट्रेंजली I went to a club and basically I went to Soho House and I was just chilling with my friends and then a girl just passed by. So we were sitting over there and they were just grooving to it. I started saying, kitne chaliye, oh, kitne chaliye. Then my friend said, hey, this is a nice hook for a song. I said, acha, okay. So I record kar liya. Main ye gana sunata hu. First draft mein, I think sirf ye live, ye sab nahi tha. Female voices nahi tha. So it was like more like, yehi tha. Main socha tha, isme kya karun, sound kya dalun. ये जो सैंपल भी डाला मैंने इसमें एक फीमेल एक वॉइस मिलेगा बंगाली फोक का वॉइस है दयाल बोल रहे हो बिकॉज यू नो बाउल में हो दयाल ऐसा करते हैं ना या तो माझी बाउल में भी बहुत सारे क्लासेस रहते हैं एक माझी का फोक रहता है जो जो नाव चलाते हैं वो लोग एक उनका फोक रहता है तो ये वही उसी का ही फोक है जहाँ पे एक मैंने जस्ट पार्ट लिया है बस इतना ही है बट वो कितना एम्बियंस क्रिएट करता है बीच में निकल के आता है आई गॉट द ब्रीफ दैट यू नो यू हैव टू मेक अ सॉन्ग अबाउट द विक्रम बत्रा स्टोरी इज देयर वी नीड अ रोमांटिक सॉन्ग इटर्नल रोमांस सो आई स्टार्टेड थिंकिंग क्या करूँ तो मैं वॉइस नोट्स चेक करना चालू किया तो मुझे वो पुराना वाला मिल गया उसमें लिखा था सोहो हाउस मुंबई एंड दिस थिंग क्लिक किया तो कितने चली ये वो कितने तो मैंने कॉर्ड दिया तो पहला मेरा वो ट्यून बना तो देन आई थॉट ओके लेट्स मेक दिस इज नॉट दैट गुड लेट्स मेक अनदर सॉन्ग सो द अनदर सॉन्ग वॉज एक्चुअली राता लंबा विच आई मेड विच डिडंट हैव अ हुक इट वॉज विद द स्टार्ट ये तेरी मेरी गल्ला होगी दैट वॉज अ ट्यून फॉर इट सो आई सेड यार दो गाने अच्छे लग रहे बट पता नहीं कैसे करूँ देन अजीम केम इन द पिक्चर तो आई मेड हिम हियर द सॉन्ग्स कि मैंने दो गाने बनाए ऑप्शन वन इज राता लंबा उन्हें कितने चली उसने बोला यार दोनों गाने अच्छे एक काम करें दोनों को जोड़ देते तो मैंने बोला ब्रो इट वुड बी सच अ बिग सॉन्ग ना हो कितना बड़ा आजकल तो नहीं चलता है रील में तो 15 सेकंड के ही गेम है बोला नो नो ब्रो वी विल डू व्हाट वी फील लाइक दिस विल हैव टू सॉन्ग्स टुगेदर ये मेरा फेवरेट है ये फीमेल वॉइसेस एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम रहमान सर म्यूजिक बिकॉज उनका जो क्वायर वॉइसेस रहते थे ना वो ऐसी सिल्क वाले वॉइसेस है silky voices floating reverb floating I love that because it gives a different space only aur flute se maine pattern banaya agar sunoge na ye baat bajaye chop kya flute wo uska तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एकदम बेसिक जो रहना चाहिए ना वो साउंड हैज टू बी बहुत स्ट्रॉन्ग गाने को वो वाइब देने के लिए आवर गॉडफादर इज करण सर सो वी सेंड हिम फर्स्ट उन्होंने अगर बोल दिया कि दिस इज सुपर हिट यू शुड डू दिस तो हम लोग आए करते हैं तो वी प्लेड इट टू मैन ही लव्ड इट उनका कोई इसमें गलती नहीं बोलो बहुत अच्छा है बट सॉन्ग का नाम राता लंबे होगा देन वी गॉट नहीं सॉन्ग का नाम राता लंबा फिर कितने चलिए नहीं या ही से राता लंबा था सॉन्ग बिकॉज आई थिंक दैट वाज मोर रिमेंबर करने में इजी था सो देन वी मेड बोथ द सॉन्ग एंड कंबाइंड इट एंड देन द सॉन्ग गॉट अप्रूव्ड आई वाज रियली स्केयर्ड दैट यू नो इफ यू स्टार्ट पुटिंग टू मेनी कमर्शियल लिरिक्स इन द सॉन्ग मे बी वी विल गेट डाइवर्टेड सो आई मायसेल्फ रोट द सॉन्ग आई सेड आई विल राइट इट लाइक अ सॉन्ग राइटर हाउ वेस्टर्न पीपल डू दे मेक द सॉन्ग दे राइट इट देमसेल्व्स सो देन दैट हैपेंड सो दिस वॉज अ कम्प्लीट यू कैन से राता लंबा वॉज कम्प्लीट लाइक माई सॉन्ग लाइक वॉट आई वॉन्टेड डू फॉर एवर एंड दैट इज द रीजन वाई इट वर्कड ये भी चॉप किया हुआ लाइव करके फिर मैंने उसको काट के क्वांटाइज किया हुआ है पूरा पिकअप तुम्हारा फेवरेट है
तो इसको बोलते हैं खाली भारी, ये जो आधा बजा ना ये खाली भारी पैटर्न और ये भारी वाला पैटर्न आ गया। तो व्हेन दिस कम्स विद माय प्रोडक्शन इट साउंड्स डिफरेंट लाइक व्हेन यू पुट द क्लैप्स एंड द किक देन इट गिव्स दैट फुलनेस एंड मिक्स हो जाता है पूरा। द स्ट्रक्चर तो इज द फर्स्ट थिंग दैट आई डू, फर्स्ट थिंग आई थिंक दैट ओके इफ आई स्टार्ट द सॉन्ग विद दिस देन इट शुड राइज अप टू अ हुक। बट सम सॉन्ग्स में डायरेक्ट हो जाता है कि गाना मुखरा करके सीधा हुक पे आ जाता है, सम सॉन्ग में यू नीड अ ब्रिज इन बिटवीन। और अभी के जनरेशन में क्या हो गया कि पीपल दे वॉन्ट द हुक टू कम फास्ट, कि हुक क्या है, सो दे मिस आउट ऑन दैट एंटायर जर्नी इन बिटवीन। सो दैट इज़ वाई वॉट हैपन्स नाउ इज पीपल डोंट रिमेंबर द सॉन्ग मच, बट जो गाने में वो हुक के आगे कोरस आता है और वो चीज़ आता है तो वो दिमाग में एस्टेब्लिश होता है। रातल लंबे के लिए वॉइस आई हैड ऑलरेडी थाट इधर इट्स जुबिन और इधर इट्स अरिजीत, एंड आई वॉन्टेड जुबिन बिकॉज आई फील दैट ही बिलोंग्स टू दैट नॉर्थ एंड ही हैज़ अ टेक्स्चर विच इज अ सॉफ्ट टेक्स्चर विच अरिजीत ऑल्सो हैज़, बट ही इज़ लाइक बिकॉज ही लिव्स देयर देहरादून, he has this voice as a calling in his voice, so I use his voice in it, and Asis definitely always been there with all my romantic songs, so no combination was there, and thankfully they liked the voice and the thing and it worked. So originally I think outro mein ye nahi tha, aise end ho jata tha aur ye idhar ऐसे खत्म था। तो फिर मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया, एक ये पार्ट लगा दिया उसके बाद, और लास्ट में एक ये वाला डाल दिया क्योंकि आई वॉन्टेड और दोनों जो मेल्स है ना वो अलग अलग सिंगर्स हैं। ये जो रैक जो हम लोग ने ये किया था वो यंग बंदे हैं सब, और ये जो है मस्जिद में बाहर गाते हैं, अभी भी गाते हैं वो लोग। तो उनको चार लोग थे तो उनको मैं लेके आया था, मतलब मुंबई मुंबई में, तो मैं ढूंढ रहा था जो थोड़ा सा व्हाट कैन आई से इम्परफेक्ट वॉइसेस, तो वो चारों को लेके आया तो उनको डब किया, उनको तो माइक में गाना नहीं आता है, वो माइक ही जाता वो इधर गा रहे, मैं बोला इसमें गाना पड़ेगा आपको, अच्छा तो उसके सामने आ गए, बोला अरे उसमें ब्लो आ जाएगा आप दूर में, तो इधर ही मैंने डब किया था उनको, एंड वो चारों ने वो गाना गाया, उन सेम बंदों ने वो मेरा सिम्बा का गाना भी गाया। और कभी भी कोई गाना करता हूँ ना मैं इसे प्रोड्यूस, मैं उसको बैलेंस करते करते करता हूँ, सो दैट वो गाना फाइनल जैसा साउंड लगना चाहिए। आई व्हेन यू हियर द फाइनल ट्रैक आल्सो यू विल सी इट्स वेरी सिमिलर, नहीं तो क्या होता है प्रोड्यूस करते हो पूरा कचरा हो जाता है, फिर बाद में मिक्सिंग इंजीनियर काट के ये डालते हैं, बट मेरा वो प्रोसेस स्टार्ट से रहता है कि हैज़ टू साउंड लाइक अ फाइनल ट्रैक। एंड यू नो बेस्ट थिंग इज वॉट आई टेल यू ऑनेस्टली वॉट हैपन्स इज दैट व्हेनेवर अ सॉन्ग गेट्स हिट द फर्स्ट पर्सन हु बिकम्स पॉपुलर are the actors. Correct. And second are the singers. Yes. Third category mein music composers aate hain. But for Ratal Ambiya, my first category was the music composer. Oh. Where people started recognizing me as Tanish Bachchi made this song. So then I realized, you know, that it's destined, you know, destined that these things happen. It's made by God only. Isko main karta hoon abhi. Hum chalte rahe sonia।